सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको प्रूफ दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें, वो बोल रहे हैं कि आप लोग 5 पेजेस लिखें और आपको यहाँ पे 50 से 60 डॉलर्स जो हैं वो मिलेंगे। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं और यहाँ पे वो बोल रहे हैं 4 पेजेस लिखें और यहाँ पे आपको देखें 46 डॉलर्स जो हैं वो मिलेंगे। और यहाँ पे 2 पेजेस लिखने के आपको यहाँ पे 6 डॉलर्स या 12 डॉलर्स मिल सकते हैं। इतनी आसान जॉब है ये, मतलब कि रियल वर्क है, जो वाकई में गेम्स खेल के नहीं, एक रियल वर्क करना चाहते हैं और एज अ जॉब उसको लेना चाहते हैं, तो ये वाला जो टाइपिंग वर्क है वो बेस्ट है। और ये कौन सी वेबसाइट है, कौन सी साइट है और यहाँ से आपने किस तरीके से टाइपिंग करके अर्निंग करनी है, किस तरीके से यहाँ से लॉगिन करना है, सब बताने वाली हूँ। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। अब मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखें, पाकिस्तानी लोग भी वर्क कर रहे हैं, पाकिस्तानी लोग भी यहाँ से जो है वो अर्निंग कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है, खुद वो बोल रहे हैं कि आप इतने पेजेस लिखेंगे, आपको बस फ़ोन पर टाइपिंग करनी होती है और आप जो है यहाँ से 50-60 डॉलर जो है वो आराम से अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ से आप लोगों ने किस तरीके से लॉगिन करना है, किस तरीके से वर्क करना है, सब बताने वाली हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो मेरी वीडियो को कर देना है लाइक और मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। और यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से वर्क स्टार्ट करना है। जब ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन मतलब हो जाएगा और आपको इस तरह का कुछ पेज शो हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने ये किस कहाँ से वेबसाइट निकालनी है, आपने सिंपल क्या करना है, मेरी डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिलेगा, आपने उसको कर लेना है ओपन। तो आपके सामने डायरेक्ट ये वाला जो पेज है ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि 60 डॉलर्स पाकिस्तानी रुपीस में कितने बनते हैं। ऑलमोस्ट आप 13,000-14,000 यहाँ से लेकर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा गेट स्टार्टेड, आप लोगों ने इस पर कर देना है क्लिक। और इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना जीमेल एड्रेस लिखना है। ठीक है, कोई सा भी जीमेल एड्रेस आप यहाँ पे अपना डाल देंगे, मैं भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना जीमेल जो है, जीमेल का जो ईमेल, जीमेल का जो एड्रेस है वो डाल दिया। यहाँ पे लॉगिन कर लेती हूँ और लॉगिन करने के बाद ही आप लोगों के सामने एक पेज ओपन होकर आएगा जो कि मैं आपको दिखाती हूँ आप लोगों ने वहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पे उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाता है। यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दिए जाते हैं, उसको फॉलो करना होता है। ऊपर मुझे एक मैसेज भी आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, आपको 4 एक स्टेप्स मिलेंगे, आप लोगों ने इनको कंप्लीट करके यहाँ पे जो है वो एंटर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो आपसे यूज़र नेम आपका पूछा जाएगा, जो भी आपने अपना यूज़र नेम लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी जो है वो यूज़र नेम लिख लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है आप अपना ओरिजिनल नेम डालें। यहाँ पे मैंने ज़ोनिया खालिद लिख लिया। जब आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपसे फर्स्ट नेम पूछा जाता है और यहाँ पे लास्ट नेम। जो यूज़र नेम है उसमें आप कुछ जो है वो नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो नंबर्स ऐड कर दिए। तो उसके बाद यहाँ पर वो आपसे आपका जो है वो कंट्री पूछेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान लगा देना है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। तो यहाँ पे हमने कंट्री सेलेक्ट कर लिया पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर, तो यहाँ पे मैं नंबर ऐड करके आप लोगों के सामने भी आती हूँ। तो यहाँ पर जो नंबर है वो मैंने ऐड कर दिया है, लेकिन मैं ये शो नहीं करवा सकती अपना नंबर। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप पर और इस पेज पे यहाँ पे कुछ इस तरह का आप लोगों के सामने ऑप्शन आएंगे, और ये जब ऑप्शन आएंगे यहाँ पे आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, आपने बस इन दोनों पे नो ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करनी है, कौन सी लैंग्वेज आप बोल सकते हो ईजिली। तो हम यहाँ पर उर्दू जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज मुझे मिल चुकी है, हम इस पर कर लेते हैं क्लिक। और इस पर क्लिक करने के बाद हम नीचे जाते हैं और यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाएगा कि आप लोगों के कौन से ऐसे, मतलब जैसे कि मैथ है, उर्दू है, इंग्लिश है, कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो आप अच्छे से जो हैं उनको उन पे वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, वो ही बताने हैं जिनमें आप अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप उर्दू में अच्छे हैं और आप यहाँ पे इंग्लिश बता देंगे, क्योंकि आपको आगे उसी टाइप का फिर वर्क मिलेगा। अगर जो जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे एक नहीं, आप जितने चाहें हिस्ट्री, यहाँ पे साइंस, जितने चाहें सब्जेक्ट जो हैं वो टिक कर सकते हैं और फिर उन सब के बारे में आपको जो है वो वर्क मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3-4 सिलेक्ट कर ली हैं, मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे रफ टफ जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पर जो है वो क्लिक कर देना, और तो उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाता है। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम स्कूल में दाखिला लेने के लिए जाते हैं तो वो आपको डायरेक्ट जो है वो क्लास में नहीं बिठा देते, वो पहले आपका टेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा होगा टेस्ट। आप लोगों ने क्या करना है, साथ में अपना दूसरा फ़ोन रख लेना है और आप चाहें तो यहाँ पर जो है वो गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अंदर ही आपको ये 30 सवालात को जो है वो करना होता है, सॉल्व करना होता है। यहाँ पे देखिए आपसे सवाल पूछा गया है ये वाला, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन ऑप्शन किसी एक पे आप लोगों ने क्लिक कर देना, जैसे कि यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ, और उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर देना है क्लिक। उसके बाद आपको अगला सवाल मिलेगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है वो मतलब कर देती हूँ नेक्स्ट। मुझे पता है बाद में तो मैंने रिजेक्ट ही होना है, क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरा ऑलरेडी जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे ख़त्म। तो यहाँ पे मैं ज़रा सवालात के आंसर दे के फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे बस आप लोगों ने अपने हाथ में दूसरा फ़ोन रख लेना है, आपने 30 सवालात को जल्दी जल्दी आंसर करना है, यहाँ पे आपको ऊपर टाइम मिलेगा, ठीक है। तब अगर आपने ये जो स्टेप है वो सही कर लिया तो आप यहाँ पे जो है वो अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से सारे आंसर जो है वो दे लेते हैं। मैं वीडियो को फास्ट कर देती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर मेरे 30 जो आंसर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे कर दिया है रिजेक्ट, जो कि मुझे पता था मैंने होना है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए आई थी और इतनी जल्दी जल्दी कोई भी आंसर नहीं दे सकता। आप लोगों ने दूसरा फ़ोन रखना है अपने पास, आप लोगों ने गूगल करना और आप लोगों ने अच्छे से आंसर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद सही आंसर देने के बाद कोई भी आप लोगों से जो है वो पूछा नहीं जाएगा कि ये करो वो करो, आपको डायरेक्ट जो है वो काम मिलेगा, ठीक है। सो बेस्ट काम है अगर आप मतलब जॉब छोड़ के अपनी घर बैठकर जॉब करना चाहते हैं, तो ये वाकई में एक जॉब है। 5 पेजेस लिख के अगर आपको $60 मिल रहे हैं, यानी कि 13,000 मिल रहे हैं, तो आप अगर 10 पेजेस लिख दें तो आपको यहाँ पे कितने पैसे मिल रहे हैं, आप खुद यहाँ पे मतलब जो है वो हिसाब लगा सकते हैं। तो वाकई में बहुत अच्छा वर्क है, आप लोग यहाँ पे बस आंसर सही दे के एंटर हो जाना, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी अर्निंग ऐप्स और वेबसाइट्स जो हैं वो लेकर आऊँ। तो आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो मैं इसी तरह की वीडियोस अच्छी अच्छी बना के लाती रहूँगी। सो अभी के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।